हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग स्टूडियो बाय बीजल। आज हम बनाने वाले हैं गणपति बापा के प्रसाद के लिए तीन अलग अलग टाइप के मोदक, इसमें सूजी मोदक, मिल्क चेरी मोदक और उगड़ी चे मोदक। ये तीनों मोदक बनाने में बहुत ही आसान है और सबका टेस्ट भी अलग अलग है। इसे बनाने में बहुत ही कम घी का उपयोग होता है, आप बढ़िया मोदक बना सकते हो। तो पहले हम सूजी या रवा मोदक बनाते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम एक टेबलस्पून घी डालेंगे और घी को मेल्ट होने के बाद हम आधा कप सूजी डालेंगे और सूजी को घी में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो सूजी को हल्का सा कलर चेंज हो उतना ही रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। तो अब हम उसमें एक कप गरम किया हुआ दूध डाल देते हैं और दूध डाल के अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और रेसिपी कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो अभी अच्छे से गाढ़ा हो गया है, तो अब हम उसमें 2 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई है, अब हम गैस को बंद कर देते हैं और एक बाउल में निकाल के ठंडा करने रख देते हैं। और अब हम स्टफिंग बनाते हैं। तो उसके लिए 1 टेबलस्पून नारियल का चूरा लिया है, उसमें हम 1 टेबलस्पून काजू बादाम और पिस्ता और किशमिश के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए है वो डालेंगे और 1 टेबलस्पून दूध डालेंगे। और उसको मिक्स करेंगे। तो ये सूजी का मिक्सर भी ठंडा हो गया है, तो उसको हम एक बार अच्छे से मसल लेते हैं। एक मोदक का मोल्ड है, उसको हम ग्रीस कर लेते हैं। और फिर से हम बंद कर देते हैं। और ये थोड़ा सा सूजी का मिक्सर लिया है इस तरह से, वो हम ये मोल्ड के अंदर ऐसे प्रेस करेंगे, सभी साइड ऐसे प्रेस करेंगे और बीच में हम थोड़ी जगह रखेंगे ताकि हम अंदर स्टफिंग भर सकें। तो थोड़ा सा स्टफिंग लिया है वो अंदर डालेंगे और उंगली से प्रेस करते जाएंगे। इस तरह से प्रेस करना है और ऊपर थोड़ा सा फिर से सूजी का स्टफिंग रखेंगे और फिर से इसे प्रेस करेंगे ताकि मोदक का जो शेप है वो अच्छे से आ जाए। तो अभी उसको अनमोल्ड करते हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है मोदक। तो ऐसे ही सारे मोदक बना लेती हूँ। तो रेडी है सारे सूजी के मोदक। तो अब हम मिल्क चेरी मोदक बनाते हैं। तो उसके लिए एक पैन में हम आधा कप दूध डालेंगे, उसमें हम 2 टेबलस्पून घी डालेंगे। अभी गैस बंद रखा है और 1 कप मिल्क पाउडर डालेंगे और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स हो जाए उसके बाद हम गैस चालू करेंगे ताकि जो मिल्क पाउडर है वो उसमें लम्स ना रहे। और हम स्लो गैस पर ही इसे चलाते जाएंगे, इसे कंटिन्यूअसली चलाते जाना है ताकि नीचे से ये जल ना जाए। तो और गैस की फ्लेम को भी हमें स्लो ही रखनी है। तो उसमें हम 2 टेबलस्पून जितना केसर वाला दूध डालेंगे। आप देख सकते हो कि ये गाढ़ा होने लगा है। इसे धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा ये, और इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहना है। अब इसमें हम 3 टेबलस्पून जितनी पीसी हुई चीनी डाल देते हैं और उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
चीनी डालने के बाद फिर से वो थोड़ा सा पतला हो जाएगा और 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल देते हैं और सबको अच्छे से स्लो गैस पर ही चलाते जाएंगे। और तब तक हमें चलाना है जब तक ये एकदम गाढ़ा ना हो जाए और कढ़ाई छोड़ने लगे। अभी एकदम गाढ़ा हो गया है और कढ़ाई भी छोड़ने लगा है, रेडी हो गया है, तो गैस बंद करके एक बाउल में हम ले लेते हैं। तो अभी ठंडा हो गया है तो एक टेबलस्पून जितनी चेरी के छोटे छोटे टुकड़े कर लिए थे वो डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो बिना मोल्ड के मैं दिखाती हूँ मोदक कैसे बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पोषण लेके गोला बना लिया है और इस तरह से हाथ पे रख के घुमाते जाएंगे और मोदक का शेप दे देंगे। और ये एक टूथपिक ली है, उससे हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाएंगे, हल्का सा ही प्रेस करना है इस तरह से। देखिए बिना मोल्ड के भी एकदम लग रहा है ना मोदक, बहुत बढ़िया शेप आ गया है। तो बाकी के मोदक मैंने मोल्ड में रेडी कर लिए हैं। तो रेडी है हमारे मिल्क चेरी मोदक। तो अब हम बनाते हैं उगड़ी चे मोदक यानी कि स्टीम मोदक। तो उसके लिए एक पैन में हम एक टेबलस्पून घी डालेंगे, उसमें हम एक टीस्पून खसखस डालेंगे और उसको रोस्ट करेंगे। ये अच्छे से रोस्ट हो गया है तो अब हम उसमें एक टेबलस्पून काजू और बादाम के छोटे छोटे टुकड़े किए हैं वो डाल देते हैं। तो उसको भी अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं और उसमें ही एक कप ग्रेट किया हुआ फ्रेश कोकोनट डाल देते हैं और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बस ये अच्छे से मिक्स हो गया है तो इसमें आधा कप गुड़ डाल देते हैं। गुड़ को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है, स्लो गैस पर ही हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस सारी चीज़ें मिक्स हो जाए उतना ही करना है। अब उसमें एक चुटकी नमक डालेंगे ताकि सारे टेस्ट बैलेंस हो। अब इसमें 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर और 1/4 टीस्पून जायफल पाउडर डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको एक बाउल में ले लेते हैं। तो रेडी है हमारा स्टफिंग। अब चलते हैं डो बनाने की प्रोसेस में। तो एक पैन में आधा कप पानी लिया है, उसमें हम 1/4 कप दूध डालेंगे। आप चाहो तो सारा पानी भी ले सकते हो, पर मैंने 1/4 कप जितना दूध भी डाला है। अब उसमें एक टीस्पून घी डालेंगे और एक चुटकी नमक डालेंगे। नमक डालने से ऊपर का जो डो है वो फीका फीका नहीं लगेगा। अब सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और दूध और पानी के मिक्सर को उबलने देते हैं। तो अच्छे से उबल गया है तो गैस की फ्लेम स्लो करके हम चावल का आटा डाल देते हैं। और बेलन से हम मिक्स कर लेते हैं। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो मिक्स हो जाने के बाद हम गैस को बंद करके ढक के 5 मिनट ऐसे ही रहने देंगे। ढक दिया है और गैस को बंद कर देते हैं
और 5 मिनट इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अभी 5 मिनट के बाद इसको एक प्लेट में ले लेते हैं। अभी एकदम ड्राई लग रहा है, पर इसको हम जैसे ही मसलना शुरू करेंगे तो ये रोटी जैसा डो बनने लगेगा। तो अभी सारा आटा जुड़ गया है, तो ऊपर फिर से थोड़ा सा घी लेते हैं और अच्छे से मसल लेते हैं। तो रेडी हो चुका है हमारा डो। अभी डो और स्टफिंग दोनों रेडी है, तो अब हम इसमें से मोदक बनाते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा पोषण लिया है और थोड़ा थोड़ा मसल लेते हैं ऐसे हाथों से और एक गोला बना लेते हैं। तो ऐसे उंगली और अंगूठे की मदद से ऐसे घुमाते जाएंगे और फ्लैट करते जाएंगे और थोड़ा सा पतला करेंगे और ऐसे उंगलियों से हम प्लीट लेते जाएंगे और इस तरह से हल्का सा प्रेस करते जाएंगे। तो सारी साइड से इस तरह से हम कर देते हैं। ये रेडी है, अब हम इसमें स्टफिंग भरेंगे। तो थोड़ा सा ही स्टफिंग डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अच्छे से शेप नहीं आएगा। और इस तरह से घुमाते जाएंगे। इस तरह घुमाते जाएंगे और हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे। मोदक का शेप आ जाएगा इस तरह से। तो जहां पे हमने प्लीट ली थी वहां पे हल्का सा ऐसे कर देते हैं इस तरह से। तो सभी साइड से इस तरह से हम कर देते हैं। तो देखिए अच्छा सा शेप आ गया है। तो ऐसे ही बाकी के हम रेडी कर लेते हैं। तो इस तरह से रेडी है सारे मोदक। अब हम इसको स्टीम करेंगे। तो ऐसी एक छलनी ली है, उसको हम ग्रीस कर लेते हैं और मोदक को हम इसके ऊपर रख देते हैं। ये पानी भी गर्म हो गया है नीचे, तो उसके ऊपर एक छलनी रख देते हैं ये, और उसको और मोदक को ढक के हम 10 मिनट स्टीम करेंगे। ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट दिखने लगा है, मतलब कि ये स्टीम हो गया है। तो इसको हम एक प्लेट में ले लेते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा केसर वाला दूध रखेंगे। तो रेडी है हमारे उकडीचे मोदक, यानी कि स्टीम मोदक। तो तैयार है प्रसाद के लिए अलग अलग टाइप के फटाफट बनने वाले मोदक, और बापा को भी ये बहुत पसंद है। आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन अवश्य दबाए, ताकि हमारी हर नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको कई सारी नई रेसिपी देखने को मिल जाएगी। थैंक यू।